बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। कह रहा हूं कि आप जो है मेरा भी निवेदन स्वीकार कर लीजिए और आप स्वीकार करके आप ये जो है बात कर लीजिए। अगर किसी के पास है कोई आदेश निर्देश तो आप बता दीजिए, वरना ऐसी घटना हुई है जिसमें कि पूरा प्रदेश जो है परेशान है, देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पर हैं, मौजूद हैं वहाँ पर, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे उनके पास में। तो अगर हमको आप रोक रहे हैं तो कोई तो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए रोकने के लिए। निवेदन सर यही है कि आप वहाँ शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शांति व्यवस्था भंग होने की तो व्यवस्था है तो आप, हम अकेले जा रहे हैं तो 44 धारा 44 कहाँ लग जाएगी? धारा 44 तो तब लगेगी जब हम पूरी कोई फौज लेके जा रहे हो, हम तो खुद जा रहे हैं। अगर धारा 44 वहाँ पर लगी, यहाँ तो नहीं लगी है ना? आप रहेंगे तो 44 नहीं, ये तो आप आपका ही तो प्रिजम्पशन है, ये तो आपका प्रिजम्पशन है, ये तो आपका प्रिजम्पशन है। यहाँ तो अभी कोई 144 नहीं लगी है, मतलब जहाँ जहाँ बोल देंगे वहाँ 144 लग गए। तो अगर लगी है तो दिखा दीजिए भाई कहाँ लगी है। इसी के बाद निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ आ जाए सर ना। नहीं तो आपसे जो हम कह रहे हैं वो भी माफ़ कर रहे हैं, ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई कि आप कहिए शासन हो गया कि यहाँ भी 144 लगी है, जहाँ जहाँ खड़े हो गए वहाँ 144 लगी है। आप क्या कह रहे थे ना कि नोटिस आ गई था भाई सर, दिखा दीजिए ना। हम कब कह रहे हैं कि अभी तुरंत भागे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप बात कर ना, हमारे घर के अंदर भी 144 गेट के अंदर, ये तो पहली बार सुन रहे कानून में वहाँ पे सर जाने से। भाई आप हमारा एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हाउस अरेस्ट कर रहे हैं आप हमको तो उसके लिए कुछ तो आपके पास प्रक्रिया होगी कि हम आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम आपको अपने घर की चौधरी से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस बात का आपके पास कोई ना कोई तो निर्देश होना चाहिए, आप बात कर लीजिए। देख लीजिए आपका फोन आ रहा है, शायद हो सकता है भेज रहा हूँ।